हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी आचार के यूट्यूब चैनल पर तो आप सभी जुड़ जाइए खटाखट तरीके से और यहां पर शुरू हो गया है क्या कि सेशन तो सभी को अवेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात राधे राधे और आई होप थोड़ा सा स्टार्ट यहां पे स्टार्ट हुआ है तो सभी को गुड मॉर्निंग यहाँ पर जितने लोग जुड़ गए हैं तो यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं वो कौन है भाई तो रेखा है यहाँ और पूजा है सभी लोग जुड़ गए हैं नमी अ, अली चौहान है आकांक्षा पांडे हैं चलिए तो सभी लोग जुड़ गए हैं एक बार फिर आज हम लोग करें क्या ईवीएस के शानदार सीरीज को उससे पहले उससे पहले आप सभी लोगों के लिए क्या है कि एक छोटी सी जानकारी है ठीक है एक छोटी सी जानकारी है सभी लोग जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूपी टेट दो का नया बैच आ रहा है क्या यूपी टेट दो का यहाँ पर नया बैच आ रहा है ठीक है ना तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है आई थिंक ट्रिपल नाइन का जो है ये है एक साल का वैलिडिटी है कोई अगर आप में से ऐसा है कि जो लेना चाहता है या इसके अलावा आप अन अकेडमी के किसी भी कोर्स को लेना चाहते हैं तो वहां पर जाइए और मेरे कोड का आप यूज करेंगे तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ठीक है तो यहां पर अन अकेडमी की तरफ से क्या कि मुझे क्या मिलेगा एक बेस्ट टीचर में कहीं ना कहीं एक प्रमोशन मिलेगा जस्ट लाइक अ टीचर जैसे मैं आठवें नंबर पे हूं दसवें नंबर पे हूं पचासवें नंबर पे हूं, तो मैं दसवें पर आऊंगा इस तरह से ठीक है तो एक जो है कैटेगरी में वो होगा तो आप अगर चाहते हैं तो आप आप मेरे क्या है है कि आर आर टेट टेट ये मेरा है। आर टेट अगर आप मेरा कोड कोड अगर यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि मेरा प्रमोशन में आएगा दूसरा हालांकि कोई बताता नहीं है दूसरा आपको यहां पर डिस्काउंट भी मिलेगा का ऐसा नहीं कि टेट का बैचा कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए तो ये हमारा एक बैच आ रहा है और इसी के साथ आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने ईवीएस के इस सेशन को ठीक है तो चलिए आई होप आपको मेरा कोड याद रहना चाहिए मेरा कोड क्या है आइए आगे चलते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है सभी लोग इसका खटा -खटा यहां पर सही जवाब देंगे क्या हो जाएगा चलो भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग शमानी कह रहे कलर चेंज कर लीजिए कलर भी चेंज हो गया है और सब चेंज हो गया है आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा हाँ अभी सही है सही से दिख रहा है चलिए तो यहां पर पहले का आंसर करें क्या उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या क्या है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज क्या आपको बताना है यहां पर आ, एक सौ अस्सी है नब्बे है या फिर वन सेवेंटी नाइन है या अट्ठासी खटाखट क्वेश्चन नंबर पहले का स्क्रीनशॉट दीजिएगा अतुल दिवाकर कह रहे हैं कि 179 होगा 180 नेम कह रहे हैं गुड मॉर्निंग चलिए अब देखो देखना यहां पर यह है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या तो पहले अगर आपसे पूछता है कुल कितने होते हैं कुल अक्षांश कितने होते हैं तो कुल अक्षांश होते हैं क्या एक प्लस एक रिविजन करना कुल अक्षांशों की संख्या कितने होते हैं एक प्लस एक होते हैं लेकिन याद रखना ये एक सौ अस्सी कहां होते हैं ये बोथ हेमेस्फेयर में होते हैं कहां पर होते हैं यह बोथ हेमेस्फेयर में होते हैं यहां पर पूछ क्या रहा है केवल और केवल नॉर्थ हेमेस्फेयर में तो कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे तो जिन लोगों का उत्तर गलत है वो लोग यहां के करेक्ट कर ले उत्तरी गुलाब में अक्षांशों की संख्या

संबंध किस राज्य से सिक्किम से नागालैंड से मिजोरम से या मणिपुर से चलिए सभी लोग इसका देखते हैं कौन कौन आंसर बताना है आंसर करिएगा सभी लोग ठीक है ईशाना आप ईशाना के ठीक है नाम बदलते रहते हैं यहां पर बहुत लोगों के क्वेश्चन नहीं समझ पाए हाँ बिल्कुल आप नोट करते रहिए दूसरे का आंसर यहां पर प्रिया ने बताया है दूसरे का डी होगा मणिपुर मणिपुर अतुल ने भी बताया मैंने आपको ट्रिक बताया था बेटा क्या मैंने आपको ट्रिक बताया था बताया था ना कि अगर मेरी सगाई होगी ना अगर मेरी क्या होगी अगर मेरी सगाई होगी ठीक है अगर मेरी सगाई होगी तो मैं कौन सी तो मणि युक्त मणि मणि युक्त क्या लूंगा रिंग लूंगा ठीक है तो मणि युक्त रिंग लूंगा तो सगाई से क्या हो जाएगा सगाई और मणि युक्त से क्या हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा ठीक है अब मैं ले लूं या आपके किसी घर में किसी की भी शादी होने वाली है इंगेजमेंट होने वाली है तो वहां से आप इसको इंटरकरेट करके याद कर सकते हैं नहीं तो इसका सही जवाब सभी ने बताया क्या मणिपुर और मणिपुर में आप जानते हैं क्या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है चलो अगला क्वेश्चन का आंसर करो क्या हो जाएगा भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है वो कौन सी है? साथ, साथ या नॉर्थ चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि जो भारत है ना भारत को दो बराबर भागों में ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा डिवाइड करती है तो भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी हो जाएगी आइए देखते हैं ये अपना प्यारा भारत है और इसके बीच से होकर यहां से गुजरती है क्या अक्षांश रेखा इसका क्या है ये साढ़े तेईस डिग्री क्या नॉर्थ में आता है सो दैट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसे क्या कहते हैं तो इसे कहा जाता है इसे कर्क रेखा कहा जाता है और आप ये जानते हैं कि यही जो कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है आठ राज्यों से होकर गुजरती है क्या आप जानते हैं गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम इन आठ राज्यों से होकर गुजरती है गमछा गमछाझार मित्र पर आपने पढ़ी होगी पृथ्वी का सुरक्षा वाल किसे कहा जाता है ओजोन परत को कहते हैं नाइट्रोजन गैस को कहते हैं ज्वालामुखी को कहते हैं या महासागर को कहते हैं चलिए सभी लोग इसका सही जवाब बताएंगे भाई पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है वट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व चलो जल्दी से बताओ जैसे मैं आपको कहूं कि देखिए यहां पर जैसे मैं आपको कहूं कि फंक्शन ऑफ वॉल्व अब वॉल्व क्या होता है आप इससे अच्छे से समझ जाएंगे ठीक है ये देखो भैया यहां पर एक डायग्राम एक मैप बन रहा है ये क्या बन रहा है अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहां पर क्या बन गया ये क्या बन गया है और यहां पर क्या होता है यहां पर एक लगा होता है ऐसे बॉल्व यहां पर चलो तुम लोग जलो नहीं और तुमको पकड़ने के लिए यहां पर ये बन गया है क्या है ये बन गया है ठीक है ऐसे दिस वन अब आप जानते हैं इसमें हम लगाने वाले हैं क्या आग आग लगाने वाले हैं आग लगाने वाले हैं बर्नर से यहां पर आग लग गई है क्या बन गया ये बन गया भैया कुकर क्या प्रेशर कुकर बन गया है ठीक है तो आप जानते हैं जब भी इस प्रेशर कुकर में जब भी इस प्रेशर कुकर में आग जलाया जाएगा तो इसमें क्या होगी इसमें गैस बनेगी गैस बनेगी ये गैस कुकर के क्या है कि वाल पर जाएगी और प्रेशर लगाएगी इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रेशर कुकर बोलते हैं तो क्या होगा यहां से आप जानते हैं सीटी निकलती है गैस निकलती है तो कितने सीटी में दाल पकती है बोलो और चावल कितने सीटी में पकती है अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कि कितने सीटी में दाल पकती है कितने सीटी में कुकर। कई बार ये कुकर पर निर्भर करता है वो पका पा रहा है फिर कई बार ये यहां पर दी जाने वाली ऊष्मा पर भी निर्भर करता है कि कितनी सीटी लगानी है कई बार कुछ लोग कुछ लोगों के कुकर काम नहीं कर रहे होते हैं जिनको बनाना नहीं आना आता होता है ठीक है तो वैसे ही बर्नर पर खुला कुकर रख देते हैं और कई ऐसे कि मुंह से ही सीटी बजाते रहते हैं समय समय पर ऐसा कहाँ होता है ऐसा बेसिकली बॉयज हॉस्टल या पीजी में होता है ठीक है अब यहां पर देखेंगे जब यहां से कई बारी क्या होता है कि अगर इन द इमरजेंसी यहां से गैस नहीं निकली ये स्टॉप हो गया ब्लॉक हो गया ये गैस नहीं निकली तो आप जानते ये गैस फिर कुछ कहेंगे कि गैस नहीं निकलेगी तो कुकर फट जाएगा कुकर फटता कौन सा वाला है जो दो रुपए में दस लीटर का कुकर मिलता है उसमें यह वाल्व कभी कभी नहीं लगे होते हैं तो आप जानते हैं इस को वाल्व को इमरजेंसी वाल्व या सुरक्षा वाल्व कहा जाता है यहां से जब ये सीटी फंस जाती है यहां से गैस पास नहीं होती है तो इमरजेंसी केस में गैस यहां से निकल जाती है इसी को कहते हैं सुरक्षा वाल्व। इसी तरह से इस पृथ्वी पर क्या है बेटा इस पृथ्वी पर जगह जगह इसी तरह से क्या कोकर के जो है सुरक्षा वाल्व लगे हुए हैं और यहां से निकलता है क्या यहां से निकलता है लावा और इसको हम लोग क्या कहते हैं इसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे कि क्यों कहा जाता है ठीक है ना आइए कोई बात नहीं आकांक्षा कोई बात नहीं पढ़ेंगे हम लोग यहां से और आप जानते हैं ओजोन परत ओजोन परत को हम लोग क्या कहते हैं तो पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं पृथ्वी की सुरक्षा बच्चे कहते हैं राइट आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है क्या यहाँ पांच है क्या या आठ है सात है या नौ है भारत की मानक समय रेखा तो मानक समय रेखा कितनी है साढ़े बयासी डिग्री देशांतर आप सभी जानते हैं यह भारत के पांच राज्यों में गुजरती है जरा ट्रिक बताओ तो ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है ठीक है लेकिन इसका जो आधार माना गया है इसका जो आधार माना गया है वो क्या माना गया है वो प्रयागराज का नैनी क्या प्रयागराज का क्या माना गया भैया प्रयागराज का नैनी माना गया है और इसके अलावा या तो मिर्जापुर जिला विकल्प में दे देता है मिर्जापुर जिला विकल्प में दे देता है तो इसका सही जवाब क्या पांच राज्यों में हो जाएगा आठ नहीं होगा क्या पूजा चौरसिया आठ नहीं होगा ट्रिक मैंने बताई थी रत्ना प्रिया आठ नहीं होगा कितना होगा पांच होगा अब मुझको बताना पड़ेगा मुझे लग रहा था कि सभी लोगों का आंसर क्या होगा यहाँ पर सही आएगा लेकिन कुछ लोगों ने आंसर गलत कर दिया तो अब तो मुझे बताना ही पड़ जाएगा कि वो कौन कौन से आठ राज्य है राज हैं या पांच राज्य हैं देखिए भारत की मानक समय रेखा यहां से होकर ऐसे आती है यहां से होकर ऐसे आती है इस दौरान यहां पर पांच राज्य मिलते हैं क्या यूपी मिलता है और क्या एमपी मिलता है और क्या तो छत्तीसगढ़ मिलते हैं और क्या यहाँ उड़ीसा मिलता है और क्या आंध्र प्रदेश मिलता है ठीक है तो ये पांच राज्य हैं जहां से भारत की मानक समय रेखा साढ़े बयासी डिग्री होकर गुजरती है क्या है आपको बताना है कि निम्न ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है कहलाता है आपके सामने चार विकल्प है आपको बताना है क्या मंगल शुक्र शनि यूरेनस होते हैं बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून होते हैं मंगल बृहस्पति पृथ्वी या नेपच्यून होते हैं या आपको बताना है शुक्र बृहस्पति मंगल और शनि होते हैं चलिए खटाखट सभी लोग इसका सही जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स का रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार आया है वेरी गुड तो चलिए सभी लोग इसका सभी लोग इसका आंसर करेंगे यहां पर जो आंसर आ रहा है वो बी 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 आ रहा है ठीक है ना चलिए तो यहां पर आप देखते हैं क्या सही अब देखिए गैसियस प्लेनेट को क्या कहते हैं गैसियस प्लेनेट को हम लोग बाह्य ग्रह भी कहते हैं अगर आप पता हो बाह्य ग्रह भी कहते हैं इनको इनको बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है इसमें कौन कौन आते हैं तो इसमें चार बाहर वाले ग्रह आते हैं और जो बाहर वाले ग्रह हैं वो कौन से हैं तो वहा बृहस्पति जुपिटर है सैटन है यूरेनस है और नेपच्यून है ये चार ग्रह हो जाते हैं सो दैट ऑप्शन नंबर क्या बी इसका सही जवाब हो जाता है अगला मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा हो जाता है आपको बताना है भूमि पौधे और पशु आते हैं पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल आते हैं मनुष्य का तत्कालिक परिवेश आता है या पौधे और पशु जगत आते हैं चलिए सभी लोग इसका खटाखट सही जवाब देंगे क्या हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर सेवन का तो हेमू ने बताया है बी हो जाएगा एज वेल एज काजोल ने बताया है बी फरा ने बताया है डी चलिए भाई सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पूजा ने बताया है चौरसया ने बताया बी साधना ने बताया है बी अतुल ने कहा है ए होगा प्रिया ने बताया है बी होगा आइए देखते हैं आप जानते हैं जय मंडल वाट इज बायो तो आपने पढ़ा होगा क्या आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा पर्यावरण के क्षेत्र क्या पढ़े होंगे आप लोग तो आप लोग पढ़े होंगे पर्यावरण के क्षेत्र आपने पढ़ा होगा पर्यावरण के कितने क्षेत्र होते हैं तो आपने पढ़ा होगा चार क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर एक होता है जल मंडल एक होता है स्थल मंडल और एक होता है क्या वायुमंडल ठीक है आप जानते हैं कौन कौन से क्षेत्र हो गए तो यह हो गया भैया वायुमंडल हो जाता है और यह क्या हो जाता है आपका मान लो जलमंडल हो जाता है हाँ और ये स्थल मंडल हो जाता है इस तरह से क्या तीन लेकिन पृथ्वी के या पर्यावरण के कितने चार मंडल होते हैं अब इसमें चौथा मंडल कहां है तो चौथा मंडल आप लोग देख रहे होंगे यहां पर जहां तीनों मिलते हैं तो ये वाला जो मैंने यहां पर कलर कर दिया है रेड से ऐसा स्थान जहां पर तीनों मंडल मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा तो उसे ही हम लोग मंडल कहते हैं क्या वायोस्फियर कहते हैं तो पृथ्वी के सॉरी पर्यावरण के कितने क्षेत्र है चार जलमंडल स्थलमंडल वायुमंडल और जयमंडल तो द राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल जो इसके चार क्षेत्र हो जाते हैं आइए अगला क्वेश्चन गुड मॉर्निंग पूनम अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है अपने गांव जाना रेलगाड़ी में यात्रा करना अपनी मातृभाषा में बोलना अपने त्योहारों को मनाना चलिए निम्न में से कौन विविधता को बढ़ावा देता है चलिए खटाखट इसका सभी लोग सही जवाब देंगे क्या हो जाएगा आंसर करेंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्रीति चलो सभी लोग इसका आंसर करेंगे हेमू ने कहा है कि सर सी होगा खुशबू दिवाकर गुड मॉर्निंग आंसर करेंगे सभी लोग अंजना ने कहा है डी होगा संदीप ने कहा है सी होगा चलो आंसर करो तो देखिए ये किसका क्वेश्चन है तो यह आप देखेंगे यह एन टी का प्रश्न है ठीक है कहा ये एनसीआर टी -E का प्रश्न है और सीटेट एग्जाम -E में आया हुआ है ठीक है अब देखिए अपने गांव जाना अपने गांव जब जाएंगे तो केवल आप अपने ही गांव जाएंगे ठीक है केवल आप अपने ही गांव जाएंगे अब देखिए जब भी एनसीआरटी आपको पढ़ाता है तो किस पर यह हमेशा से जो पेडागोजी आप लोग पढ़ते हैं वो किसकी होती है बाल केंद्रित शिक्षा होती है बाल केंद्रित शिक्षा होती है दूसरा रेलगाड़ी में यात्रा करना तो रेलगाड़ी में जो आप यात्रा करेंगे तो वहां पर अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग क्षेत्रों से होंगे तो ये भी आंसर हो सकता है लेकिन अगर आप बालक को एक बालक को केंद्र में रख के देखेंगे तो पहली बात जब बालक जाएगा कहां पर बालक जाएगा कहां पर ट्रेन में तो ट्रेन में जरूरी नहीं है कि क्या सब एक दूसरे से बात करें ट्रेन में तो क्या है कि सिर्फ देखने को मिलेगा अलग अलग पहनावा तीसरा है अपनी मातृभाषा में बोलना अब इसमें क्या होगा बालक पूरे देश से जहां भी होगा कहीं से भी होगा अगर वो अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देता है तो वो क्या हो जाएगा उसमें डायवर्सिटी आ जाएगा जैसे देखो अभी क्या है कि इंग्लिश हर जगह इंग्लिश का प्रश्न चलता चला जा रहा है इंग्लिश 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 तो अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो ठीक है ना अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आप नॉर्थ को साउथ के हो मिडिल के हो ईस्ट हो वेस्ट हो अगर आप इंग्लिश में ही बात कर बात करते तो बा, जो है डाइवर्सिटी विविधता खत्म हो जाती है ना लेकिन आप कन्नड़ में करते हैं मलयालम भारत एक ऐसी धरती है जहां पर हर पांच किलोमीटर दस किलोमीटर एवरेज बोली बदल जाती है तो इसकी सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर सी मैक्सिम लोगों ने बताया संदीप ने बताया कई लोगों ने बताया है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ठीक है चलिए आइए टेम अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो जाती है विश्व का भौतिक मानचित्र ग्लोब विश्व का राजनैतिक या पृथ्वी का पोस्टर एक बड़ा ही शानदार प्रश्न है ध्यान से निम्न में से कौन से शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने में सबसे अधिक उपयुक्त होती है चलिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है सभी लोग इसका सभी लोग सही जवाब देंगे चलिए अंकिता रस्तोगी स्वागत है आपका खटाखट -खड़ तरीके से इसका आंसर करेंगे और सेशन को क्या है सेशन को आप लोग आगे बढ़ाएंगे राइट चलिए तो रुचि ने बताया है कि ग्लोब होगा प्रशांत ने बनाया है ए ग्लोब 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 सभी लोग बता रहे हैं ए अच्छा महाद्वीपों की आ, आनुपातिक आकार ना महाद्वीपों के आनुपातिक आकार चलिए जल्दी से बताएंगे क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए उपयुक्त तो कौन होगा तो इसका सही तरीका क्या हो जाएगा भैया शिक्षण सामग्री देखिए आपने आपने पढ़ा होगा कि जो मानचित्र होते हैं मानचित्र तीन प्रकार के होते हैं एक कौन सा होता है एक हिमैटिक मानचित्र होता है हाँ एक कौन सा होता है एक राजनैतिक मानचित्र होता है और एक कौन सा होता है एक भौतिक मानचित्र होता है राजनीतिक मानचित्र में देश व सीमाएं होती हैं भौतिक राजनीति में इसमें क्या होता है पर्वत पठार ठीक है महाद्वीप आदि होते हैं ग्लोब में क्या होता है, है ग्लोब में, में क्या होता है आपको बताना है, है यहां पर तो अंजना चौधरी ने बताया है सी सभी लोग बताएंगे बिल्कुल अब देखिए ग्लोब में क्या होता है ये ग्लोब होता है ना तो ग्लोब यहां पर क्या पृथ्वी का ढांचा होता है पृथ्वी का ढांचा होता है अगर यहां पर यह पूछता कि कौन से शिक्षण सामग्री पृथ्वी पर उपस्थित सभी क्या पृथ्वी के तो तो पृथ्वी अगर हम लोग जाते क्या हो जाता ग्लोब क्योंकि ग्लोब क्या है पृथ्वी को बता रहा है ना ग्लोब का जो होता है लेकिन विश्व का जो भौतिक मानचित्र है इसमें हम महाद्वीप देखेंगे उसको क्या है कि कितना आकार है कौन सा महाद्वीप कितना बड़ा है तो सारा कुछ क्या हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है चलिए So, अगला प्रश्न है आपके निम्न में से कौन कीट नहीं है घरेलू मक्खी मकड़ी या फिर आपको बताना है मच्छर और खटमल चलो जल्दी से खटाखट यहां पर बताएगा क्या हो जाएगा चलिए आंसर करिए आप सभी लोग निम्न में से कौन कीट नहीं है आइए आंसर करते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को तो यहां पर खटाखट तरीके से आंसर आने लगा है कि दसवीं का क्या होगा भैया बी होगा मकड़ी कीट नहीं है यह क्या है ये इनवर्टिव बेस मतलब आ का ना आ कशेरुकीय जीव है कशेरुकीय जीव है जिसकी क्या स्पाइनल कॉर्ड नहीं होते हैं आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्न में से कौन एक कपी नहीं है ये बताओ फटाफट तरीके से लंगूर हो जाएगा गिब्बन हो जाएगा ठीक है ना गोरिल्ला हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं खटाखट इसका सही जवाब बताएंगे भाई क्या हो जाएगा निम्न में से कौन एक कपी नहीं है ये भी एक आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और सेशन को आप लोग क्या है कि शेयर करते रहेंगे चलो भाई तो बिल्कुल यहां पर मैक्सिमम लोगों के सही जवाब आ गए हैं मेरे पास सबसे पहले और सही आंसर आया है किसका रेखा का फिर आया है प्रीति का फिर आया है ओके तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया जो आ, कपी कपी के जो श्रेणी में नहीं आता है वो कौन हो जाता है लंगूर हो जाता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आइए अगला प्रश्न मेहमत किसके पूर्वज थे ये तो आपको पता ही होगा ना मेहमथ किसके पूर्वज से बड़ी ही शानदार और अच्छी अच्छी इस मूवीज बनी है क्या कुत्तों के ऊंट के हाथी के या डायनाशोर के ठीक है चलिए जल्दी से बताइएगा मेहमत किसके पूर्वज माने जाते हैं जैसे हमारे पूर्वज हमारे एंसेस्टर किसको माना जाता है बंदरों का कहा जाता है बंदर थे नहीं ये लोग बंदर से फिर धीरे धीरे इंसान बन गए नहीं फिर जब इंसान बन गए इनको बुद्धि आ गई तो उनको होमोसैपियंस कहा गया और जब इनकी बुद्धि खुद को खाने लगी और सबको खाने लगी हर चीज में तर्क कुतर्क करने लगी मतलब कहा गया कि इनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई तब इनको क्या कहा गया होमो सैपियंस कहा गया तो ये क्या हो जाता भैया किसके तो हाथी के पूर्वज माने जाते हैं मैमथ ठीक है ना अभी जितनी हाथियां होती हैं इनसे भी बहुत कम माना जाता है बहुत बड़ी और बहुत हैवी होते थे मैमथ जिनके मुझे लगता है पाँच पाँच फिट के तो क्या दांत होते थे नहीं आइए अगला प्रश्न भारत की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है कौन सी वेल मछली स्टारफिश या स्टार चलिए खटा खड़ सभी लोग इसको बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो जल्दी से तो बताओ भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी मानी जाती है बिल्कुल खड़ा खड़ा आप सभी लोग बताएंगे चलो आंसर करोगे एलिफेंट बिल्कुल शहजादी ने आंसर किया है तो यहां पर जो आंसर आ रहा है खटाखट तरीके से कुछ लोग बता रहे हैं अच्छा सभी लोगों के बहुत बढ़िया तो भारत ही नहीं भारत ही नहीं अगर विश्व भी आ जाए विश्व भी तो विश्व की सबसे बड़ी मछली क्या वेल मछली मानी जाती है कभी देखने का सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हुआ ठीक है कभी अगर प्राप्त हुआ तो देखेंगे वैसे इसको देखकर हम डर भी सकते हैं चलो जल्दी से बताओ आपके जहां पर जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी हाइट कितनी होगी तो उसकी हाइट कितनी होगी लगभग से मान लीजिए मैक्सिमम होगी तो 11 फीट नहीं तो उससे कमी होगी 9 और 10 पे क्या लिंटर पर जाता है मैक्सिमम 11 फीट हो सकती है लेकिन याद रखना ये जो भारत की सबसे बड़ी वेश, वेल मछली होती है भैया पचास फिट इसकी लंबाई होती है पचास फिट सोच लो जितनी क्या जितनी तुम्हारी छत है ना इसके पांच गुना लगभग इसके पांच गुना इतनी बड़ी होती है वेल मछली हम लोगों को ना जाने तो क्या है कि देख हम लोग देख कर ही डर जाए कई बारी कई बार जब ये किसी शिप के नीचे से गुजरती है तो शिप क्या होती है प्रभावित हो जाती है उनको लगता है कि भूकंप आ गया ठीक है वैसे मछली बहुत तेजी से क्या खत्म हो रही है विविधता हराज का भी एक मुद्दा है वेल मछली तेजी से खत्म हो रही है इसका कारण क्या है इसका कारण हम ही है क्यों हम लोग किस सभ्यता में जी रहे मैंने आपको बताया था प्लास्टिक सिविलाइजेशन हम लोग प्लास्टिक सभ्यता में जी रहे हैं कहीं न कहीं जाने अनजाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या नदियों में हम क्या करते हैं प्लास्टिक धुआं धुआं करके फेंकते हैं यही नदियां सामूहिक रूप से जाकर मिलती है समुद्र में और समुद्र में प्लास्टिक को समझ कर क्या ये वेल मछली कभी कभी भोजन को समझ कर खा लेती है जिसके बाद इनकी मृत्यु हो रही है और ये बहुत ही क्या शर्म की बात है मानवता के लिए विश्व का एक ऐसा पक्षी है जो कभी घोसला नहीं बनाता कौवा है कोयला फाकता ध्यान रखना भारत का ही नहीं ये विश्व का एक ऐसा पक्षी जो कभी घोसला नहीं आता है इसको आवास बनाने की जरूरत नहीं तो अंडा कहां पर देगा अपने बच्चों को कहां पर पालेगा तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा चलिए भैया खटाखट इसका आंसर करेंगे तो यहां पर बता रहे हैं कोयल अच्छा कोयल को कहा जाता है ना गाना भी आया था क्या कोयल जैसे अभी आप देख देखिए कोयल के साथ मौसम आ गया है ना पूरी की पूरी जो दोपहर होती है आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए कहीं सुनसान में ना चारों तरफ एकदम से सुनसान है उस समय क्या होता है कोयल की जो आवाज होती है ना वो पूरे मौसम को क्या है शुष्क मौसम को उश्ट, शुष्क उश्ट मौसम को एकदम से क्या लगता है सदा बहार जैसे कर देती है कौन सी हो जाती है कोयल हो जाती है और यह अंडा जब देने का काम आता है इसका तो इसके घोंसले को कब्जा कर लेती है कौवा को और कौवा कहीं ना कहीं बेचारा वैसे तो सबके सामने बड़ा डीगे मारता रहता है आता है ना कुछ भी डराता है हालांकि वैसे तो कहा जाता है चालाकी होते जो है काक जैसे कौवे जैसे लेकिन यहां पर इसकी चालाकी इसके सामने कुछ नहीं चलती है जैसे ही अंडे देने आती है बेचारा यहां से प्रवास कर जाता है अपना घोसला छोड़कर चला जाता है तो यह विश्व का एकमात्र पक्षी है कोयल ठीक है चलिए आइए आगे चलते हैं जैसे राधे जैसे राधे भैया आइए हाँ बिल्कुल आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ऐसा पक्षी जो अपने साथी के वियोग में प्राण त्याग देता है ऐसा पक्षी जो अपने साथी के जिनको प्रेम की परिभाषा समझनी हो हालांकि इंसान आजकल इंसान प्रेम के नाम पर छलावा करता है क्या व्यवहार के नाम पर दिखावा करता है ठीक है और वो कहते हैं जरूरी नहीं कि तुम प्रेम वही वाला समझो तुम्हारा रिलेशन वाला मैं ये कह रहा हूँ दोस्ती दोस्ती में भी कई बार क्या और भाई कैसे यार यार तुम्हारे लिए यार, तुम्हारा भाई कुछ भी कर सकता है हेलो हाँ भाई फोन लगा रहे हो यार मैं संकट में फंस गया हूँ फोन ही नहीं उठेगा हेलो भाई हो अरे यार तुम जहा हो वहां से मैं चालीस किलोमीटर मुझे एक घंटा आजकल ऐसा हो रहा है प्रेम ये देखिए पक्षी है पक्षी क्या एक ऐसा पक्षी जो अपने साथी के वियोग में प्राण त्याग देता है इंसान है आज मुझे नहीं लगता कि धरती पर आज कोई ऐसा इंसान जीवित होगा कौन है देखो हंस है हंस अभी आपने देखा ना आरिफ और क्या है अभी आया था हंस की वाली कहानी आरिफ ने उसकी पैर क्या उसके पैर क्या बजाया रक्षा किया देखो बेचारा तड़प गया उसको ले गए वहां पर वन बिहार पक्ष बिहार में बरेली वहां से वो भाग गया स्टेशन पे आके एक्सीडेंट कर लिया उसके खून चारों तरफ फैल गए क्योंकि वो वहां पहुंचना चाहता था जहां आरिफ रहता था और इस पे राजनीति भी हुई अंततः उसको उठाकर कहा रख दिया गया कानपुर के वन विहार में रख दिया गया और ये बंदा फिर से जब जाता है मिलने तो उसी वो अपने जहां पर उसको रखा गया है चिड़िया बॉक्स के जिस उसमें उसी में वो हंसने लगता है खिलखिलाने लगता है उड़ने की कोशिश करता है चहकने लगता है तो ये क्या होता है हंस वैसे तो इस चीज को एक नया आयाम दिया जाना चाहिए था लेकिन हम जिस देश में रहते हैं आप जानते हैं वहां पर हर चीज की मैक्सिमम चीज को राजनीति की नजर से देखा जाता है हालांकि आप इसमें ना पढ़िए ठीक है इसमें ना पढ़िए इन सेंस कि आप इस जो नजरिया है इस नजरिए से हर चीजों को मत देखिए जो सही है वो सही है जो गलत है गलत है ठीक है तो हंस देखिए एक पक्षी सिखाना चाहता है इंसानों को प्रेम की भाषा लेकिन इंसानों की अलग हो गई है परिभाषा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर विश्व का सबसे प्रसिद्ध पालतू तो पशु कौन है आपको बताना है कुत्ता है हिरण है घोड़ा है या बिल्ली है विश्व का सबसे प्रसिद्ध पालतू तो पशु कौन है चलो सभी लोग इसका बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा खटाखट तरीके से हाँ आप लोग का अपना अपना अनुभव रहा होगा बिल्कुल आपके फ्रेंड कई बार आपसे क्या है कि झूठ बोलते होंगे नहीं पीठ पीछे बहुत अलग अलग तरह की बातें लेकिन इंसान बेवफा हो जाते हैं हो जाती हैं पुरुषोत्तम कह रहे हैं सभी होते हैं भैया है। जाति और जातम क्या इंसान की कोई जाति नहीं होती ठीक है चलिए कहा जाता था कि हम लोग जहां से है क्या यह धरती कभी ये धरती कभी अघन्य के नाम से विश्व प्रसिद्ध थी किसके गाय से कहा जाता है कि एक समय ऐसा था कि जो सबसे राजा होता था जो सबसे धनवान होता था अगर वो किसी ज्ञानी व्यक्ति को कोई चीज दान करता था तो अपनी सबसे अमूल चीज देता था वो अमूल चीज अघन्य होती थी जिसे गाय कहा गया है ऋग्वेद में और आज इस गाय के आप देखिए ये कुत्ता डॉग, हालांकि होते वफादार हैं लेकिन आप देखिए अभी आज मैं आ रहा था तो देखा था अभी जब मैं आ रहा था तो एक गाड़ी मेरे आगे थी अब उस गाड़ी के बाहर एक डॉग था मुझे मैं रास्ते भर और मुझे नहीं पता कि आज मेरे सेशन में ये प्रश्न होगा मुझे रास्ते भर बस हंसी आ रही थी क्या इसकी लाइफ स्टाइल क्या है ना बेहतरीन गा, गाड़ी थी कार थी बाहर कांच खुला हुआ है जैसा कि कल रात में बारिश हुई है मौसम एकदम सुहावना है हल्की हल्की सी समय ठंडी है इस समय तो टेम्परेचर इस कदर गिर गया है कि बिना फैन के आप रह सकते हैं सो सकते हैं तो बढ़िया से अपना सिर बाहर निकाले हुए पूरे के पूरे मौसम का असली आनंद कौन ले रहा था वो कुत्ता ले रहा था डॉग ले रहा था कुत्ते का ड्राइवर कौन था उसका तथा कथित मालिक था जो ड्राइव कर रहा था हालांकि वो ड्राइविंग का भी मजा नहीं ले रहा था ना तो मौसम का मजा ले रहा था उसमें दो बच्चे बैठे थे पीछे वो बास बार बार उस कुत्ते को खींच कर बैठाना चाह रहे थे लेकिन कुत्ता तो यही मन में मन कह रहा होगा कि बैठो इंसानों तुम इंसान के बच्चे हो आज इस पर एंजॉयमेंट का जो मौका मिला है वो मुझे मिला है हालांकि वो भी मन मन में सोच रहा होगा कि कैसे हो गए हैं इंसान क्या मेरे मुझको पूरा का पूरा मैं यही ऑब्जर्व कर रहा था कि मुझे मैं पूरा यहाँ पर नेचर का एंजॉयमेंट कर रहा हूँ और ये कैसे कैसे चलते जा रहे हैं हालांकि आज कहीं ना कहीं आप देखिए कि इंसान इतना गिर गया है कि उसकी कुत्ते जैसे भी हालत हालांकि आप किसी भी मालिक के सामने उसके कुत्ते को कुत्ता बोलने की अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आप एक वीर कहलाएंगे आज के समय में क्यों क्योंकि आप किसी भी मालिक के सामने उसके कुत्ते को कुत्ते नहीं बोल सकते आप उसी नाम से उसे संबोधित करेंगे जो उसने वास्तविकता में उसका क्या अपना एक प्यारा सा नाम रखा हुआ है ठीक है तो ये भी एक बड़ी विडंबना की बात है कि आप कुत्ते को कुत्ते भी नहीं बोल सकते हालांकि एक कुत्ता घर के बाहर होता है और कुछ कुत्ते घर के अंदर होते हैं मैं सिर्फ कुत्तों की बात कर रहा हूं ठीक है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सामान्य रूप से किस पशु का प्रयोग किया जाता है खच्चर हो जाता है हाथी बैल या फिर घोड़ा हो जाता है चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा आइए आंसर करते हैं आइए इसका सही जवाब देंगे क्या हो जाएगा पर्वती एवं पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सामान्य रूप से किस पशु का प्रयोग किया जाता है क्या पर्वती एवं सामान तो सभी लोग क्या बता रहे हैं खच्चर खच्चर और खच्चर कौन है आप जानते हैं खच्चर आप लोगों ने देखा है खच्चर 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 होता होता है अलग होता है देखिए अलग और ये गधा अलग होता है ठीक है ना गधा अलग होता है अच्छा मेरे मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि जब कोई भी लड़का कहीं पर बदमाशी करता है, चाहे तो क्लास में चाहे तो घर में तो उसको पेरेंट्स गार्जियन या टीचर क्यों कहते हैं गधा गधे हो क्या गधा, और गधा कई बारी तो उसको खच्चर से भी तुलना कर दिया जाता है कई जगह पर उसको बैल से तो गधा क्यों बोला गया अब गधा एक निगेटिव वर्ड में ले लिया गया है हमारे समाज द्वारा नहीं इसी तरह से कुत्ते को भी अब कई बारी तो आने वाले समय में एक मानहानि ठोक दिया जाएगा कि हमारी इतनी प्यारी चीज है पालतू पशु है क्या कुत्ता तो कुत्ते को निगेटिव के रूप में क्यों दिखाया जाए जैसे कहते हैं चल बे कुत्ते क्या कर रहा है तो कई बार क्या होगा कि उनको लगेगा उनका जो पेट है ना उसकी क्या है कि वहां पर स्टेटस गिर रहा है तो ये भी भविष्य में जा सकता है ठीक है और ये हो सकता है कि कोई ना कोई केस कर दे कि कुत्तों को इतनी निगेटिव की दिखाई जाती है उसी तरह से गधे को क्यों दिखाया जाता है पता है इन दोनों के अंदर क्या काबिलियत होती है इन दोनों को क्या चाहिए केवल और केवल खाना चाहिए केवल और केवल क्या चाहिए भोजन चाहिए इनसे सुबह से, से लेकर शाम तक ठीक है कभी भी इनसे कितना भी मेहनत करा लो ये कर, जो है मेहनत करते रहते कई बारी इसको निगेटिव वर्ड में गधे जैसे मेहनत कर रहे हैं ना गधे और घोड़े में क्या फर्क होता है गधा को बस खिला दो ये क्या चलता रहेगा धीरे धीरे कितना भी मारो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो यूज किए जाते हैं कौन खच्चर यूज किए जाते हैं याद रखना टेम्परेचर कम होता है लेकिन ये खच्चर धीरे 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 इंसान को पहुंचाता है फिर लाते हैं तो बड़ा ही मेहनती करते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पेरेंट्स हम लड़कों को या गार्जियन या टीचर गधा या बैल के नाम से क्यों संबोधित करते हैं बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है चलिए आइए आंसर करेंगे आज बड़े ही प्यारे प्यारे प्रश्न आज तुम लोग को मतलब वो सारे प्रश्न मिल रहे होंगे जो आमतौर पर ऐसे इंसान आपके परिवार में या घर के आसपास होते होंगे नहीं जैसे हर फैमिली में होता है मम्मी के प्यारे गधे नहीं पापा के होते हैं पापा जिस नाम से संबोधित करते हैं ठीक है कई बार बहने भाइयों को नाम से अलग अलग नाम से बैल हो बैल बुद्धि ना तो इन सभी नाम वाले होते हैं कई बार उल्लू भी आ जाता है ना अब देखिए कई बार जो बहन भाई को बोलती है उल्लू दिमाग तो भाई जिससे क्या है बहन को संबोधित करता है वो जीव भी यहाँ आ गया है निम्न में से कौन सा जीव हाइबरनेशन वाला होता है क्या शीत वाला होता है चलिए बताइए होता है आप जानते हैं स्लाद को सबसे आलसी महा आलसी इस धरती पर होता है व्यक्ति आलसी कुत्ता हम लोग पढ़ चुके हैं उल्लू आप जानते हैं आंखों आंखी इसकी जो आंख होती है आंख होती है गोल मटोल और पूरा जो है घूम कर देख लेता है और छिपकली तो आप जानते हैं गर्मी का सीजन हो गया तो सारी की सारी छिपकलियां बाहर निकल कर आ गई होंगी नहीं तो जैसे ही गर्मी आता है वो छिपकलियां बाहर आ जाती है वैसे छिपकलियां जहरीली भी होती हैं ऐसा लोग कहते हैं लेकिन मैं

ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्दी के दिनों में ये क्या होते हैं कि कहीं छिप जाते हैं क्योंकि इनका उस समय केवल दिमाग जीवित रहता है ये कहीं ना कहीं नमी और क्या है कि थोड़े मोड़े भोजन से ही काम चला लेती हैं तो यहाँ पर छिपकली हो जाएगा छिपकली के साथ नाग या सांप भी हो जाएगा ठीक है चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा देखिए जब मैं छिपकली की बात कर रहा हूं तो उसको आप अदर मत लीजिएगा तो मैं छिपकलियों की ही बात कर रहा हूं ठीक है जब मैं उल्लू की बात कर रहा हूं तो मैं केवल उल्लुओं की ही बात कर रहा हूं मैं कुत्ते की बात कर रहा हूं तो सिर्फ कुत्तों की बात कर रहा हूं ठीक है मैंने आपको इंडिकेट भी किया कि कुछ कुत्ते घर के बाहर रहते हैं कुछ कुत्ते घर के अंदर भी रहते हैं गधा से मतलब सिर्फ मैंने गधा ही बोला है और बैल का मतलब मैंने सिर्फ बैल ही बोला है ठीक है उसको अगर आप अपने दिमाग में अलग तरह से लेते हैं तो आपकी मानना ठीक है चलिए आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि गंगा के टाइगर नाम से कौन प्रसिद्ध है क्या आपको बताना है भाई मगरमच्छ हो जाएगा डॉल्फिन हो जाएगी कछुआ या स्टारफिश हो जाएगी चलिए उन्नीसवे का खटाखट सभी लोग सही जवाब बताएंगे क्या हो जाएगा ठीक है बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि आप लोग के दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही होंगी चलिए ये सही है पुरुषोत्तम कह रहे हैं बाप बेचे लोहा टीना बेटी बने सुनाची सिन्हा अच्छा चलिए अब इसका रिप्लाई तो मैं दे सकता हूं दूसरे भाषा में तुम्हारे लेकिन दे देने का मेरा मन नहीं है अभी नहीं नहीं कुत्ता चार घंटे नहीं सोता है आजकल के कुत्ते पांच घंटे छ और सात घंटे भी सोने लगे हैं ठीक है थीके? वैसे अगर आप सिर्फ कुत्तों की बात कर रहे हैं तो चार घंटे मैक्सिमम के गंगा के टाइगर किसको कहा जाता है डॉल्फिन को कहा जाता है ठीक है क्योंकि आप जानते हैं गंगा के टाइगर क्यों कहा जाता है क्योंकि ये गंगा में बहुत तेज चलती है बहुत तेज चलती है ये तरंगों द्वारा तरंगों द्वारा तरंगों द्वारा तरंगों द्वारा एक दूसरे को पहचान लेती हैं, एक दूसरे एक दूसरे को क्या है कि सिंबल भेजती है एक दूसरे को क्या सूचना भेजती है सूचना भेजती है यह बहुत ही क्या होती है बुद्धिमान टाइप की होती है ठीक है और ये भारत की आप जानते हैं भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है इसकी घोषणा दो में हुई थी ठीक है फिर आप जानते हैं डॉल्फिन या है कि टाइगर डॉल्फिन जो अभ्यारण्य बना हुआ है वो कहां पर आपका बना हुआ है पश्चिम बंगाल में बना हुआ है वैसे गंगा के टाइगर कहा जाता है और आजकल क्या आप जानते हैं भारत में एक बहुत ही बड़ी चर्चा न्यूज चल रही है टाइगर पे नहीं जिसमें प्रधानमंत्री को ट्रोल किया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री को कहा गया है ना आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री बांदीपुर जो कर्नाटक में है राष्ट्रीय उद्यान वहां पर सफारी जाते हैं अभ्यारण्य में उनको कोई टाइगर नहीं दिखाई देता ये बहुत बड़ा आप सुनिएगा बहुत बड़ा इस समय न्यू चल रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सर्वनाम भी है आइए अगला प्रश्न है क्या भैंस व बगुला के बीच जो संबंध होता है वो कैसा संबंध दर्शाता है क्या सिंबायोसिस का होता है या फिर आपको बताना सहजीवता या सहभोजिता का होता है जीविता का होता है या परोपकारिता का होता है क्वेश्चन नंबर का सभी लोग सही जवाब देंगे क्या हो जाएगा चलो भाई खटाखट अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो आप लाइक करेंगे और दोस्तों के यहाँ पर क्या शेयर कर देंगे बिल्कुल अंकिता रस्तोगी आपने सही आंसर किया है क्या बीसवे का लोग बता रहे हैं कि ए हो जाएगा कुछ लोग बता रहे हैं बी हो जाएगा सरोज भारती ने बताया है बी हो जाएगा ठीक है चलिए हेमू ने कहा है बी पुष्पा ने कहा है सी ठीक है ओके तो अगर आप बी सी में उलझे रहे हैं अगर आप बी और सी में उलझे रहे हैं तो पहले मैं आपको बताऊं यहां पर देखो दो जीव है एक भैंस है और एक बगुला है देखो जब भैंस बगुला के बीच भैंस के ऊपर जब बगुला बैठेगा तो इस भैंस के शरीर पर क्या होगा बेटा तो छोटे छोटे कीड़े होगा उस छोटे छोटे कीड़े को क्या है कि बगुला खा लेगा इस तरह से जो भैंस होगी इसकी क्या है कि शरीर साफ हो जाएगी और इसको क्या मिल जाएगा इसको भोजन मिल जाता है तो यहां पर जो लाभ होता है लाभ इसको भी होगा और लाभ इसको भी होगा जहां पर दो जीव रहते हैं दोनों को लाभ होता है उसे सहजीविता कहा जाता है सिम्बायोसिस कहा जाता है वैसे बगुला से याद रखना बगुला से मैंने आपको ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन याद कराया था कि जो बगुला से क्या बनेगा बेटा तो बगुला से बेंगुएला की जलधारा बताई थी ना बगुला से मैंने आपको क्या याद करवाया था बेंगुएला की जलधारा बगुला बड़ा ही कूल और शांत प्रिय होता है सफेद होता भी है तो इस तरह से बेंगुएला की जलधारा कैसी कूल हो जाएगी अर्थात ठंडी जलधारा हो जाती है ठीक है तो परजीवी मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक जीव दूसरे को खा खाकर उसको शोषण कर जाता है सहभोजी यहां पर क्या होता है कि दो जीव रहते हैं और यहां पर क्या होता है एक को लाभ होता है दूसरे को होता है ना हानि होती है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी निम्न में से कौन सा जीव भूमि प्रदूषण सब से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है चलिए छिपकली होगी गौरैया होगी बगुला होगा या गाय होगी चलो कौन सा जीव भूमि प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है किसी का गलत नहीं होना चाहिए चलो भाई घटाघट -खट सही जवाब देंगे यहां पर अंकिता है आकांक्षा पूजा गार्गी रुचि पुरुषोत्तम तो अपना अलग ही काम में लगे हुए हैं पुरुषोत्तम यादव उनको दूसरा काम आज दिया गया वो दूसरा टास्क लेके आए हैं गार्गी ने बताया है कि सर सी हो जाएगा अच्छा जी अः हेमू ने बताया है ओके चलिए आंसर करेंगे रुचि ने बताया है कि डी होगा खाती है। अंकिता वेरी गुड तो सही जवाब इसका तो बेटा क्यों? तो क्या मिट्टी प्रदूषित होगी ये कह रहा है और अगर मिट्टी यहां पर क्या होगी पोल्यूटेंट हो जाएगी प्रदूषित हो जाएगी तो उसमें घास नहीं आएगा जो भी घास निकलेगी वो क्या होगी जहरीली होगी इसी तरह आप देखते हैं आजकल पशुओं में भी अलग अलग बीमारियां चल गई है गला घोट की बीमारी तो कौन कौन सी बीमारी ये कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है कि जब उनको जो फसल होते हैं घास होते हैं उस जब जहरीले हो जाते हैं कहीं ना कहीं पशुओं को प्रभावित करते हैं इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बाईस निम्न में से कौन एक कोशिकीय जंतु है चलो जल्दी से बताओ एक कोशिकीय जंतु है आपको बताना है स्पंज हो जाएगा मेढक हो जाएगा हो जाएगा या योगलेना हो जाएगा आप यहां पर बताना यूनिसेलुलर कौन है चलो जल्दी से बताइए सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब आपने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा आपको दो होते हैं ना एक क्या होता है भैया एक होता है यूनिसेलुलर होता है ना और एक क्या होता है मल्टी होता है मल्टी होता है ठीक है तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या एक कोशिकी ठीक है कोशिका आप जानते हैं हम किससे बने हुए हम भी किस में आते हैं मल्टी कोशिकी में आते हैं बहुत सारी छोटी छोटी कोशिका होती है आपने पढ़ा होगा जो कोशिका होता है कोशिका सेल इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था ना ये सारी चीजें आइए अगला प्रश्न आप पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है ज्वारी ऊर्जा सौर ऊर्जा भूतापी ऊर्जा या ताप ऊर्जा चलिए खटाखट इसका सभी लोग सही जवाब देंगे क्या हो जाएगा ज्वारी ऊर्जा सौर ऊर्जा भूतापी ऊर्जा या ताप ऊर्जा क्या क्वेश्चन नंबर थर्टी ट्वेंटी थर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सोच so, समझ कर आंसर करना देखते हैं यहां पर कौन गलत नहीं बताता सुरभी सिंह स्वागत है आपका चलिए तो बता रहे हैं गार्गी ने बताया है सौर हो जाएगा एग्जैक्टली अंकिता एग्जैक्टली वेरी गुड आपने सही बताया तो यहां पर कह रहे हैं गार्गी लाइट होगा शमानी कह रही हैं सर सी होगा अच्छा जी यहां पर आपको बताना है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है पारंपरिक फिर से पढ़ो भैया क्यों गलत पढ़ रहे हो रुचि बता रही हैं, बी प्रिया बता रही हैं सी हा हा आ, आ, ऐसे क्वेश्चन पर ऐसे तुम्हारे आंसर पर मुझे हंसी ही आती है क्योंकि मैंने तुमको ऊर्जा पढ़ाया तो मैंने ऊर्जा के स्रोत बताया नहीं और इतनी प्यारी हंसी क्या है कि मैं सिर्फ तुम लोगों के सामने ही हंसता हूँ पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मैंने बताया पारंपरिक का मतलब क्या ट्रेडिशन जो पहले से चले आ रहे हैं कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत पारंपरिक का मतलब होता है क्या जो परंपरा से चले आए हैं परंपरा से चले आए हैं अभी तक यहां एक भी मैं अगर यूं कहूं अगर मैं यूं कहूं कि मुझे एक एक गलती से तो तुम लोग सही आंसर कर देते लेकिन आया नहीं है गलती से भी एक सही आंसर नहीं आया पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है क्या नवीकरणी आ नवीकरणी ऊर्जा स्रोत भी इसे कहा जाता है अब नहीं आया है तो लोग चेक कर रहा हूं किसने कौन सा वाला आंसर दिया है जो वाला किसी ने नहीं दिया है वो मैं बता दूं तो अब तो आंसर आ ही जाएगा ठीक है बिल्कुल अभी भी लोग अभी भी लोग वही बता रहे हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हा 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 फिर से एक बार तुम लोग हंस लो मेरे साथ क्या हो जाएगा ताप विद्युत ऊर्जा हो जाएगा क्या थर्मल पावर हो जाएगा क्यों क्योंकि थर्मल पावर में जो ऊर्जा बनती है वो किससे बनती है वो कोयले से बनती है भैया कोयले से और कोयला हो गया गैस हो गया पेट्रोल हो गया पेट्रोल हो गया डीजल हो गया ये सभी सभी परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है आ करने के उदाहरण है ज्वारी ऊर्जा ज्वार द्वारा सौर ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा ये क्या है ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं या ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तो दिमाग सबका गया होगा घूम क्योंकि जो लगाए थे यहां पर आंसर का क्या बूम तो सबका आंसर गलत हो गया भैंस पानी में नहीं गई क्या पानी ही खत्म हो गया है नहीं इतनी भैंसे आई हैं इतनी भैंसे पानी में गई हैं कि पानी खत्म हो गया है ठीक है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला प्रश्न है क्या एलपीजी के संदर्भ में आप क्या जानते हैं क्या सत्य नहीं है यह एक स्वच्छ ईंधन है यह 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 उच्च उस्मी मान रखता है 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 नीले करण का क्या है कि जलता उत्सर्जन करने वाला होता है चलो खटाखट तरीके से आप बताएंगे इसका सही जवाब चलिए भाई आंसर करिएगा इसमें से क्या एलपीजी आप जानते हैं एलपीजी के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा क्या यहाँ लिक्विफाइड क्या हो जाएगा लिक्विफाइड और क्या पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा एलपीजी का फुल फॉर्म आपको बताना है इसमें से क्या सत्य नहीं है तो जो एलपीजी आपके घरों में है वो एक अच्छा ईंधन है स्वच्छ ईंधन है इसीलिए तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई गई कि लोगों को प्रदूषण ना हो पहले बात तो कब से ये फिक्र हो गई वही बड़े अजीब अजीब के किस्से और कभी कभी मुझे देखने को मिल जाते हैं सोशल मीडिया पर कि जो दिया गया था क्या गैस आज जो स्टोव दिया गया था स्टोव में गैस है नहीं तो जहां पर स्टोव जलता है उसमें लोग लकड़ी लगाकर और वहां पर खाना पका रहे हैं जो स्टोव है जो गैस है सिलेंडर है उस पर भी लकड़ी के इस तरह से कर रहे हैं तो यह एक स्वच्छ ईंधन है मान लेना चाहिए होता भी है धुआं नहीं करता हम कहीं भी अपने प्यारे से किचन बना सकते हैं उसमें तो सही हो जाता है यह उच्च उसमें मान का है बिल्कुल ऊष्मा उच्च ना होती तो खाना बनने में देर लगता यह नीले कलर का शायद नीले कलर का ही है क्या नीले कलर भी जलता है पीले कलर लेकिन ये वास्तविकता क्या है कि अधिकतम मीथेन गैस का उत्सर्जन नहीं करता इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा वैसे आप जानते हैं एलपीजी में दो गैस होती है कौन कौन सा तो क्या ब्यूटोन होता है और क्या होता है भैया प्रोपेन होता है प्रोपेन होता है आपको मैंने बताया आप इसकी गंध को पहचान करने के लिए मिथाइल मरकैप्टन डालते हैं हम लोग अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है क्या महोगनी हो जाता है कैक्टस हो जाता है फर हो जाता है चंदन चलो खटाखट तरीके से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का सभी लोग सही जवाब जवाबे सिलेंडर इतना महंगा कर रखा है सरकार ने क्या हो सकता है सरकार है तो करेगी ही आप क्या करेंगे बताइए बढ़िया है महंगा हो और महंगा हो मैं तो कहता हूं सर कैसे गैस पर लड़की का यूज लड़की नहीं बोला कांक्षा अच्छा मैंने लकड़ी बोला है ना लड़की का यूज मत करिए तो यहां पर सभी लोग का जो जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका हाँ ये देखिए हाँ ये सही है ये पत्र एक में लिखूंगा ये पत्र में लिखूंगा पर्यावरण मंत्रालय को कि जब गैस खत्म होने वाला होता है तब यह पीले कलर का क्यों जलता है ना वैसे इसका सही जवाब क्या क्या हो जाएगा? कैक्टस हो जाएगा जाएगा कैक्टस कैक्टस क्षेत्र में होते हैं और और कौन होता है भैया नागफनी होते ना नागफनी यहां पर होता है और क्या बबूल इसी क्षेत्र का है बबूल या जिसे क्या कीकर भी कहा जाता है महोगनी कहा का है आप बता दो तो आपको मैंने पढ़ाया था क्या ये सदाबहार वन में पाए जाते हैं सदाबहार वन में पाया जाना वृक्ष है पर कहां पर पाया जाता है तो यह आपका टाइगा क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है चंदन तो यह कहां पर या मानसूनी वनों में पाया जाता है जिसे आप लोग क्या कहते हैं जिसे आप लोग पर्णपाती वन भी कहते हैं तो पर्णपाती वन या मानसूनी वनों में चंदन पाया जाता है शीशम आम नीम जितने भी वृक्ष आपके घर के आसपास है वो सभी मानसूनी या वन होते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक नहीं है क्या नीम है देवदार है ओक है या चीड़ है चलिए खटाखट खट जैविक कीटनाशक का उत्पादक नहीं है खटाखट खट आप सभी लोग इसका सही जवाब बताएंगे क्या हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर छब्बीसवे का सभी लोग सही नागफनी क्या होता है नागफनी सर्च करो तुम्हारे पास फोन है गलती से शायद तो उसको सर्च करो नागफनी का पौधा आ जाएगा आजकल तो ये शहरों में भी देखने को मिलता है चलिए जल्दी से आंसर करोगे गुड मॉर्निंग दिव्या गुड मॉर्निंग नीम बताया जा रहा है निम्न में से कौन जैविक कीटनाशक उत्पादक है तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा नीम हो जाएगा याद रखना वैसे ये कंपनियों के दुष्प्रचार और अलग अलग चीजों के ब्रेन वॉश करने के तरीके आपको किसपे लाकर छोड़ दिए हैं सुबह जब आप जगते हैं तो दांत साफ करते हैं अलग अलग कंपनियों के टूथपेस्ट आपको लगता है लेकिन वो है हिंदुस्तान लीवर एक ही कंपनी ठीक है ना तो आपको लगता है मैंने बताया था कि आजकल ये प्रचलन में आ गया कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ऐसे ही एक समय था जब नमक के नाम पर ये लोग दुष्प्रचार करते थे क्या पहले क्या कहते थे ये कोयले से करने वाले हैं ना आ, ये कभ, भारत में नमक से लोग आ, क्या कर लेते हैं दांत साफ कर लेते हैं कोयला से कर लेते हैं लेकिन आज यही कंपनियां कहती हैं कि हमारे टूथपेस्ट में कोयला है कुछ कंपनियां कहती हैं हमारे टूथपेस्ट में चार कोयले है कुछ लोग कहते हैं हमारे उसमें कोयला है याद रखना अगर आप नीम की दातून करते हैं तो आपकी क्या है कि दांत स्वच्छ रहेंगे क्यों क्योंकि ये बताओ आप ब्रश करते हो तो केवल दांत पर चलाते हो ना लेकिन दांत साफ होने का जो असली रहस्य वो ये ब्रश नहीं वो मसूड़े हैं आपके मसूड़े ये पूरे का पूरा जबड़ा जितना स्ट्रांग होता उतना दांत की दांत को पकड़ मिलेगी मजबूती मिलेगी ठीक है हम क्या करते हैं ब्रश से केवल दांत साफ कर लेते हैं लेकिन जो हमारे मसूड़े हैं उसके मसाज कभी होती है क्या नहीं होते इसलिए क्या आप अगर ब्रश करते हैं दांतों उपलब्ध नहीं है तो आप अपने फिंगर से भी क्या करेंगे दांत साफ करने की कोशिश करिए लेकिन अगर आप नीम से करते हैं तो नीम का जो कड़वाहट होता है ड्यूरिंग द जब आप ब्रशिंग करते हैं दांत साफ करते हैं तो वो आपके सलाइवा के थ्रू अंदर जाता है जो कि कहीं ना कहीं एक उसका क्या कड़वापन वो बैक्टीरिया को मारता है इसी तरह से फसलों में पहले क्या होता था जब इस तरह से कीटनाशक नहीं थे आए थे तो इसके क्या होता था इसका घोल बनाया जाता था इसके पत्ती का और उसको नाली में पानी के थ्रू बहा दिया जाता था वो जाकर पानी के थ्रू पूरे मिट्टी में मिल जाता था और सारे के सारे जो वहां पर इस तरह से हानिकारक होते थे वो खत्म हो जाते थे अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन द्वि पत्री पौधा है क्या बांस हो जाएगा गन्ना सरसों या फिर केला चलो क्वेश्चन नंबर सत्ताईस का सभी लोग खटाखट सही जवाब नीम लाभदायक होता है बिल्कुल चलो आंसर करो अब देखो अभी मुझे लगता है कि इतनी शानदार क्लास चल रही है ना अभी इतनी शानदार क्लास चल रही वही अगर शाम को अभी कुछ नहीं आए कुछ अराजक तत्व तो मुझे लगता है क्या सब पढ़ने वाले हैं दो तीन लोगों को छोड़कर शाम को ही यही क्या है बतियाने आते हैं शाम को यही पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है तो सभी के सही जवाब क्या रहे हैं भैया सभी के क्या सरसों बीज बीज से उगाया जाता है सभी लोग बता रहे हैं क्या मेरे पापा नीम की लकड़ी से दातून मंजन करते थे जिसे दातून बोलते हैं और मैं उनकी लड़की हूं मैं दातून का मंजन प्रयोग नहीं करती हूं ठीक ठीक है है आइए तो इसका सही जवाब क्या हो 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 जाएगा हो जाएगा हो जाएगा जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरसों सरसों बांस बांस क्या है भैया तो बांस विश्व की सबसे बड़ी एक क्या है कि घास है बांस बांस की सब्जी खाए हो तुम लोग बांस की सब्जी कौन खाया है बांस की सब्जी खाए बांस की सब्जी बनती है ठीक है चलिए आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हो गया पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है जायलम कैम्बियन पैलिसम चलो पौधे में तो सभी लोगों को बताया गया कि पौधे में जो जल का अधिग्रहण होता है किसके द्वारा होता है संवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है फ्लोरम के द्वारा जो संवहन होता है वो किसका होता है भोजन का होता है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है चलो आंसर करोगे खटाखट क्या हो जाएगा हाँ बांस का अचार भी बनता है और बांस का जो है वो भी बनता है चलो उनतीस का लोग बता रहे हैं भी देखिए भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या होता है सबसे पहले आप ये जानिए लॉजिक मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था देखिए एक वर्ड है ना एक वर्ड है जो यहां पर एक वर्ड है क्या सीस्म सीस्म तो सीस्म का मतलब क्या होता है याद रखना हमेशा के लिए क्या होता है भैया कंपन होता है कंपन होता है अब देखो जहां पर भी सीस्म आएगा स्टूडेंट को दो सीस्म बहुत ही परेशान करते हैं एक तो क्या होता है क्या एक तो सिस्मोग्राफ और दूसरा क्या होता है सिस्मोलॉजी लॉजी स्टूडेंट को बहुत ये परेशान करते हैं, भूल जाते हैं तो देखना आज एक चीज तरीका मैंने क्या कहा कि सीस्म जो वर्ड है ना दोनों में कॉमन है सीस्म का मतलब क्या होता है कंपन होता है लॉजी का मतलब क्या होता है लॉजी का मतलब स्टडी होता है अध्ययन होता है जब आपसे पूछेगा भूकंप का अध्ययन तो क्या बताओगे भूकंप मतलब क्या कंपन भूकंप ना देखो ये भू है भू का मतलब क्या भूमि और कंप कंप का मतलब क्या कंपन तो भूकंप पर जो कंपन होता है उसी को हम लोग क्या भूकंप कहते हैं तो जब पूछेगा क्या भूकंप अध्ययन क्या कहलाता है तो सिस्मोलॉजी उसको मापने का जो यंत्र होता है तो क्या सिस्मोग्राफ क्यों क्योंकि जो कंपन होता है वो इस तरह से ऐसे ऐसे चलेगा और कंपन को हम लोग कहा देखते हैं ग्राफ पर देखते हैं तो सिस्मो ग्राफ ग्राफ का मतलब कंपन होता है ना ऐसे ऐसे उसको हम लोग एक ग्राफ पर देखेंगे और लॉजिक का मतलब स्टडी होता है इस तरह से आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे भैया सिस्मोग्राफ क्या होता है और सिस्मो लॉजिक क्या होती है राइट इसका सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा जैव विविधता को हानि पहुंचाने का कारण है वन की आग सूखा एवं बाढ़ भूकंप एवं ज्वालामुखी या उपरोक्त सभी जैव विविधता जो है बायोडाइवर्सिटी किसके कारण क्या है कि यहां पर लॉस हो जाएगी आपको बताना है आपके पास चार विकल्प है खटाखट सभी लोग सही जवाब बताएंगे क्या हो जाएगा तो यहां पर आंसर आ गया है सभी लोगों का आंसर आया है कि सभी होगा आल का एंसर आया कि आल होगा देखो वन में आग लगेगी तो जंगली जीव बेचारे आप देखिए ना जंगली जीव कितनी तेजी से खत्म हो रहे हैं कभी कभी आग लग जाती है ना सूखा हो जाएगा भूकंप एवं ज्वालामुखी हो जाएगा और उपरोक्त तो सभी हो जाएगा अच्छा आप लोग जिस भी जहां से भी हैं भारत के उत्तर प्रदेश के आप जहां से भी हैं कहीं से भी हैं तो अभी हाल ही में पिछले दो तीन दिन एक दिन पहले बारिश हुई है ना बारिश हुई है और भयंकर आंधी के साथ बारिश हुई है ना आंधी के साथ बारिश हुई है कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि इतने बड़े बड़े क्या है कि बर्फ के गोले गिरे हैं ऊपर कौन सा फ्रिज है भगवान कहां पर है तुम्हारा फ्रिज क्या तुम भी गर्मी में पानी पीते हो फ्रिज वाला ऊपर फ्रिज है जो इतने बड़े बड़े गोले गिर जाते हैं ना और अभी आप देखिए मौसम बहुत ठंडा हो गया है बच के रहिएगा बीमारी आने वाली है क्यों क्योंकि अभी जो ठंड आपको तो दे रहेगी अचानक से टेम्परेचर यू जाएगा और इस वर्ष

पुरुषोत्तम कहां से हो तो अभी आप देख रहे कि अचानक से मौसम कैसे करवट ले लिया है ठंडी बढ़ गई है तो क्यों हुआ है इसको आगे देखेंगे ना अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यूँ हुआ अचानक से फिर मौसम क्यों भारतीय गंडा कहां संरक्षित है कार्बेट नेशनल पार्क में बांदीपुर में गिर नेशनल पार्क में या काजीरंगा में वैसे अभी हम लोग एक समय ये वाला जो पार्क है ना बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक इस समय बहुत भारत में क्या है कि ये नेशनल न्यूज एक बना हुआ है चलो भैया आंसर करेंगे सभी लोग अभी सेशन खत्म नहीं अच्छा सर पटना से पटना में तो आंधी चली होगी पुरुषोत्तम बारिश नहीं हुई होगी लेकिन वेट करो अभी बारिश पहुंचने वाली है ठीक है तो यहां पर सभी के सही जवाब आ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 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 क्या काजीरंगा ये कहां पर पड़ता है तो यहां पड़ता है आप सभी जानते हैं असम में गिर नेशनल पार्क कहां पड़ता है यहां पड़ता है भैया कहाँ गुजरात में पड़ता है हाँ कार्बेट नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ तो उत्तराखंड में पड़ता है ना उत्तराखंड में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है तो क्या गंगा सागर रख दिया गया है क्या गंगा सागर नेशनल पार्क रख दिया गया है बांदीपुर जैसे कि मैंने आपको बताया यह कहाँ पड़ता है यहाँ कर्नाटक में पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है राइट ना आइए आगे चलते हैं अगला रेड डेटा बुक किससे संबंधित है नदियों में प्रदूषण से घटता भूगर्भ जल से या विलुप्त के करीब जीव से या वायु प्रदूषण रेड डेटा बुक रेड डेटा बुक आपने नाम सुना होगा जिसे जारी करता है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN से जारी करता है जब पहली बार आई क्या इस विश्व में पहली बार आई कब तो 1963 में यहां पहली बार आई है विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं उस पर एक डाटा क्या तैयार करता है रिलीज कौन करता है तो आयोसीएन एक करता है अगला प्रश्न क्या वर्ल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है ब्राजील में पाया जाता है अर्जेंटीना में पाया जाता है अमेरिका में पाया जाता है, है साउथ अफ्रीका में पाया जाता है घास के मैदान हम लोग पढ़ ही चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था ये चार विकल्प है तो मैंने आपको बताया था बेटा टीना का क्या होता था ब्रेकअप हो जाता है ना पढ़ाया था तो टीना में कौन सा पाया जाता है अर्जेंटीना में तो घास का मैदान पाया गया था। वहीं आप ब्राज़ील में जाएंगे तो यहां पर जो पाया जाएगा वो कंपास घास का मैदान पाया जाएगा याद रखना कंपास और पंपास घास के मैदान हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं क्या अमेरिका आप जाएंगे तो यहां पर जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है वो पाया जाता है प्रेरीज घास का मैदान पाया जाता है इसका सही जवाब क्या साउथ अफ्रीका हो जाएगा साउथ अफ्रीका हो जाएगा लेकिन अगर केवल अफ्रीका यहां पर विकल्प में होता तो अफ्रीका में जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है वो सवाना घास का मैदान पाया जाता है सवाना के साथ साथ यहां पर जो पाया जाता है वो पार्कलैंड घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है तो इसका सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी हो जाएगा राइट ना आइए अगला हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है जम्मू कश्मीर में उड़ीसा में हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का सभी लोग सही जवाब बताएंगे वैसे एग्जैक्टली exactly, सेलवास घास का मैदान अमेजन नदी के किनारे पाया जाता है वैसे राष्ट्रीय उद्यान अभी तक जो आप पढ़ते थे वो जम्मू कश्मीर में पढ़ते थे लेकिन अभी ये कहां पर हो गया बेटा यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हो गया है आइए अगला क्वेश्चन है क्या अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को कहते हैं क्या सेरिकल्चर कहते हैं अंगूर उत्पादन कहते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं अब एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है क्या कृषि होता है कृषि होता है ठीक है सेरिकल्चर को आप ट्रिक से याद क्या बनाए थे क्या साड़ी शेरी क्या बनाए थे साड़ी और साड़ी किसकी पहनोगे तो बोल दो कि रेशम का अर्थात रेशम कीट का जो उत्पादन होता है उत्पादन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सेरिकल्चर कहते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा तो विटिकल्चर हो जाएगा विटिकल्चर हो जाएगा क्या अंगूर की जब हम खेती करते हैं व्यापारिक स्तर क्या विटिकल्चर हो जाता है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पौधों में फ्लोयमुक्ता उत्तरदायी होता है आज ही हम लोगों ने बताया क्या, क्या? अमाइनो एसिड क्या होता है तो देखो अमाइनो एसिड क्या होता है जब प्रोटीन का पाचन होता है ना तो प्रोटीन का जो पाचन होता है प्रोटीन तो प्रोटीन का पाचन किसमें टूटता है या अमाइनो अम्ल में अमाइनो एसिड में टूटता है ठीक है तो ऑटो के प्रवाहन के लिए ऑक्सीजन के प्रवाहन के लिए तो क्या क्या है ब्लड सेल्स होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आहार आहार वहन वहन के लिए। आहार मतलब भोजन के लिए लिए मतलब भोजन हो जाता है और जल वहन के लिए कौन लेकर जाता है तो अभी मैंने आपको बताया क्या आज ही में की जायलम लेकर जाता है ठीक है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह की एक ब्रिक का संख्या पिरामिड बनता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है चलो खटाखट इसका सही जवाब आपको बताना है कि एक वृक्ष का संख्या पिरामिड बनता है वृक्ष का देखिए आपको तो मैंने पहले वैसे डिटेल से बताया था लेकिन आज अगर आपने वृक्ष देखा होगा तो मैं आपको एक दूसरा और अमेजिंग ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपको याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा देखो क्या उल्टा होता है क्या सीधा होता है ए और बी दोनों या चतुर्भुज चतुर्भुजाकार होता है एक वृक्ष का संख्या पिरामिड आपको बताना है चलो भाई खटाखट तरीके से इसका आंसर देंगे क्या हो जाएगा सैतीस का लोग बता रहे हैं कि सर बी हो जाएगा ओके प्रिया ने बताया है सब ए हो जाएगा मतलब उल्टा होगा अच्छा जी चलो अपराइट अंकिता ने बताया है अपराइट वेरी गुड तालाब का उल्टा होता है दीपिका ने बताया है बहुत बढ़िया गार्गी ने बताया है सीधा चलो अब देखो उल्टा होगा कि सीधा होगा ये कॉन्सेप्ट भूल जाओ पर निकलकर वास्तविक दुनिया में आओ तुम्हारे घर के आसपास कोई वृक्ष होगा तो उसको देखना हालांकि इससे पहले आपने वृक्ष देखा होगा वृक्ष जो होते हैं वो ऐसे होते हैं नहीं उनकी आपने जो वृक्ष देखा होगा जो मैंने देखा है उन सभी वृक्षों की जो जड़े होती हैं बेटा जो जड़े होती हैं वो जमीन के नीचे ऐसे जड़े फैली होती है ठीक है और जो ऊपर होते हैं ऊपर क्या होते हैं पत्ते होते हैं ठीक है पत्ते होते हैं, हैं। यहां पर आपको दिख रहा है ये तना है ये तना है अच्छा ये बताओ इस वृक्ष में अभी आप वहां पर भूल जाओ जो मैं आपको बता रहा हूं यहां से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा उठते जागते सोखते भागते कोई भी आपसे पूछेगा कि इसका कैसे है? तो आप जवाब दे अच्छा, क्या, तो सारे सारे क्या, सारे सारे क्या है, होती है. तो ऊपर तो पत्तियों की संख्या ज्यादा होगी ना ऊपर पत्तियों की संख्या ज्यादा होगी तना क्या होगा तना एक होता है अच्छा ये बताओ पत्तियों की संख्या आप देखोगे अभी देखो यहां पर ज्यादा है यहां पर कम है अगर मैं इसको यहां पर एक इस तरह से देखूं तो ये वाला भाग इसका चौड़ा हो जाता है और इधर क्या होगा इधर जैसे जैसे आओगे तो पतला होता चला जाएगा पूछा क्या है संख्या संख्या पिरामिड पिरामिड तो यह बताओ भैया तो जब आप संख्या पिरामिड देखोगे तो वृक्ष एक उत्पादक है ना संख्या इसमें किसकी ज्यादा है तो पत्तियों की संख्या ज्यादा है पत्तियों की संख्या ज्यादा है और जिसकी संख्या ज्यादा है उसका क्या होगा आकार ज्यादा होगा जिसकी संख्या कम है उसकी संख्या आकार कम होगा पत्तियों की संख्या ज्यादा है तो आकार ज्यादा हो गया तने की संख्या कम है तो वृक्ष को देखकर ही तो आप कह सकते हैं संख्या यहां ज्यादा है पत्तियों की कि तने की तो वृक्ष की पत्तियों की संख्या ज्यादा है तो इसका जो संख्या पिरामिड होगा वो हमेशा उल्टा बनता है लेकिन जीव भार पिरामिड सीधा बनता है याद रखना तो वृक्ष का संख्या पिरामिड कैसे याद करोगे ऊपर पत्तियां ज्यादा होती हैं तना एक होता है तो वृक्ष को देखकर ऊपर चौड़ा होता है नीचे पतला होता है इस तरह से इसका पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है एक बार बताओ याद हो गया एक बार बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर आया याद हुआ हमेशा के लिए कि नहीं समझ में आ गया पूरा का पूरा वृक्ष की पिरा, जो है संख्या पिरामिड कैसे अब भूलोगे कभी बताइए तो इसका कैसा बनेगा उल्टा बनेगा ए बनेगा समझ गया एक बार अगर समझ में आया होगा तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे फीडबैक देंगे और सेशन को लाइक करेंगे आइए अगला प्रश्न सबसे ज्यादा प्रदूषक गैस कौन है सीओ है एसोटू है सीओटू है या मीथेन है चलिए इसमें से सबसे ज्यादा प्रदूषक कौन है दिमाग में भूसा भरा है सर जी अच्छा गेहूं कट गेहूं कटवा रहे थे क्या गेहूं का सीजन चल रहा है तो हो सकता है अड़तीस का ए बताया है लोगों ने सबसे ज्यादा प्रदूषक गैस आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा सीओ हो जाएगा सीओ साहब हो जाएगा क्या कार्बन मोनोऑक्साइड इसे क्या कहते हैं तो इसे दम घोटू गैस कहा जाता है दम घोटू गैस इसे कहते हैं ये हमारे रक्त में पहुंचकर ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकती है ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकती है ठीक है को तो रोक देती है निकलती कहां से भैया तो अगर आप क्या सिगरेट पीते हैं स्मोकिंग करते हैं तो मतलब कि आप धुआंधार तरीके से सीओ का उत्पादन कर रहे हैं अगर आप किसी भी वाहन से जा रहे हैं मोटर क्या मोटर गाड़ी तो वहां पर भी आप इसका क्या है कि कर रहे हैं क्या उत्पादन तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है चलिए हेमू कह रहे खेत का भूसा दिमाग में भर गया अच्छा जी ऐसा भी होता है क्या भूसा अंदर चल जाता है दिमाग के पता नहीं मुझे तो आए, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है जैविक मरुस्थल कहलाती है चलो खटाखट सभी लोग इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा यमुना हो जाएगा यमुना नदी दामोदर नदी पेरियार नदी या आपको बताना है महानदी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है खटाखट तरीके से इसका आंसर करेंगे भाई क्या हो जाएगा चलिए हेमा मालिनी कहा हेमा मालिनी भैया कथक नृत्य कर रहे हो तुम लोग चलो इसका बताएंगे तो जैविक मरुस्थल किसको कहा जाता है तो जैविक मरुस्थल किसको दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल में ठीक है ना यहाँ पर इतना ज्यादा प्रदूषण हुआ कि इसमें रहने वाले जीव मर गए और इसको क्या कहते हैं आप जानते हैं इसको बंगाल का शोक कहा जाता है बंगाल का शोक कहा जाता है वैसे बहुत तेजी से क्या है कि प्रदूषित ये भी हो रही है यमुना नदी क्या है कि मान ली गई कि भारत की एक प्रदूषित नदी है ठीक है और यमुना नदी को क्या है कि इसकी जो प्राचीन नाम है वो क्या भैया कालिंदी इसको कहा जाता है कालिंदी इसको कहा जाता है ठीक है ना महानदी महानदी को आप जानते हैं किसको उड़ीसा का शोक कह दो इसको कहां का तो उड़ीसा का शोक उड़ी उसी उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं तो महानदी को कहते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि घर में हानिकारक विकरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या चलो व्हील हो गया पंखा हो गया ट्यूबलाइट हो गया या आपको बताना है रंगीन टीवी चलो जल्दी से बताओ घर में हानिकारक विकरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है खटाखट तरीके से इसको आप आंसर करेंगे चालीस का बता रहे हैं वैसे घर में हानिकारक विकरण का सबसे बड़ा स्रोत तो आपके हाथ में है नहीं कई बार आप देखिए अगर आप एक दिन में दो तीन घंटे मोबाइल चला लीजिए दिमाग हैंग करने लगता है रात में लोग कई बार लगे पड़े रहते हैं ना लाइट भयंकर उसका ब्राइटनेस बढ़ा हुआ है लगे पड़े हैं उसी में अरे आंखें से आंख से आधार हो जाओगे ठीक है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया तो रंगीन टीवी हो जाएगा रंगीन टीवी कहते नहीं घर में जो भी मैंने बोला अरे अंधे हो जाओगे अंधर हो जाओगे कौन घर वाले कहते टीवी पहले थे ना टीवी और सोचो टीवी कितनी दूर रहती थी तब घर वाले कितना डांटते थे चलाए रो टीवी रंगीन टीवी बहुत इफेक्ट करती है रंगीन टीवी का समय चला गया है आप कौन सी पता नहीं कौन कौन सी टीवी आ गई है इस मोबाइल में अब अपने मोबाइल में कोई भी टीवी चलाइए टीवी चलाइए या टीवी चलाइए सब उसमें दिखता है ना तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इफेक्ट करती है मैं क्या कह रहा हूं इफेक्ट अगर आप ज्यादा मोबाइल चलाते हैं तो आप क्या है कि मोबाइल चलाते समय टीवी देखते समय चश्मा लगा लीजिए अलग अलग अच्छे मार्केट में चश्मा आते हैं उसका प्रयोग करके कर रहे नहीं तो जो रोशनी है कम होती चली जाएगी और फिर शक्तिमान वाला जो तमराज किलबिज था उसका कहीं ना कहीं सपना पूरा हो जाएगा और जीवन अंधकार में हो जाएगा और अंधेरा कायम हो जाएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहां है चलो बताओ जल्दी से तमिलनाडु में है पश्चिम बंगाल में है उत्तराखंड में है या अहमदाबाद में चलो खटाखट तरीके से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलो जल्दी से बताओ पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहां है खटाखट सभी लोग भैया बताएंगे चलिए आंसर करेंगे तो यहां पर जो आंसर आ रहा है डी 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 कुछ लोग बी बता रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खराब हो गया है सर अच्छा तो ब्लैक एंड व्हाइट की जरूरत है अब हाँ ये तो सही है आंखों में बहुत पेन होता है बिल्कुल तो इसका जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देखो दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं अगर आपकी आंखों में एचिंग हो रही है या अचानक से दर्द होने लगा है या भूख लगना कम हो गई है या अचानक से क्या बहुत ज्यादा आपको आलस हो गया है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है या आप सोच रहे अंदर से बहुत ज्यादा आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया हो ना बहुत ज्यादा आपको पढ़ने का मन कर रहा है मौसम भी आपके अनुकूल है नींद नहीं आ रही है कुछ काम नहीं है लेकिन आपको अंदर से मन कर रहा है पढ़ें किताब खोलें लेकिन ये सारा मन बेड पर लेटे लेटे कर रहा है या आपकी आंखें दर्द हो रही हैं तो ये सभी क्या किसके लक्षण है कि आपने एक लंबे वक्त से और लंबे समय तक मोबाइल का यूज कर रहे हैं किसी भी किसी तरह से उसको क्या है कि मोबाइल में आप लगे पड़े हुए हैं ना भूख नहीं लगेगी आलस आ जाएगा हेडेक होने लगेगा इरिटेशन होगा मोबाइल आपको पता है मोबाइल डॉक्टर भी बनने लगे हैं ऐसे डॉक्टर हैं जो मोबाइल से और गेम से एडिक्शन छुड़वाने के लिए अच्छा खासा चार्ज करते हैं उनकी फीस कम से कम क्या होती है तीन हजार से चार हजार पांच हजार उनकी फीस है जो मोबाइल क्यों आप देखिए ना फ्री फायर खेलने वाले और वो पबजी खेलने वाले कई बारी तो एक केस सुना मैंने उसने अपने फैमिली मेंबर को ही मार दिया क्यों क्योंकि वो उसे लगा कि वो पबजी खेल रहा है नहीं तो पबजी वाले पबजी खेलने वालों का दिमाग बिल्कुल सब्जी जैसा हो जाता जिस है जिसमें क्या मिलाना है कुछ ठीक है भूख बहुत जोर से लगी है और कब क्लास होगी देखो मैंने भूख का बा, बात लिया और यहाँ पर शवानी को भूख लग गई तो बेटा आप खाते रहिए ना चलिए निम्न में से किसे मसालों का घर कहा जाता है चीन को जर्मनी को भारत को अर्जेंटीना को क्वेश्चन नंबर बयालीस बड़ा ही प्यारा है खटाखट तरीके से हाँ, आई इचिंग होती है खुजली हो रही तो मतलब आप समझ जाइए कि मोबाइल का कारण है उसमें आप क्या करेंगे आंख बंद कर सकते हैं या आई एक्सरसाइज कर सकते हैं दो तीन आई एक्सरसाइज है उसको आप करिए रिलैक्स मिलेगा कुछ दिन के मोबाइल ना अपनी पुतलिया है ना इसको क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घुमाते रहिए ऐसे 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 ठीक है ना फिर अपने हाथों को रगड़ कर कुछ देर इस पर रखिए दोनों आंख पे आराम मिलेगा रिलैक्स मिलेगा कुछ नहीं करना आंख बंद करके फोन रख के आराम से सीधे स्टेट सो जाइए जिसको सवासन कहा जाता है और इसको भारत कहा जाता है भारत में कहा तो केरल ठीक है ना तो केरल को मसालों का बगीचा है और भारत को मसालों का घर कहा जाता है ये मसाला ना होते तो यूरोप से लोग ना आते तो भारत इतने ढाई सौ वर्षो तक अंग्रेजों का गुलाम ना होता तो फिर आजादी की लड़ाई में इतने लोग शहीद ना होते और आजादी की लड़ाई में ना होते तो एक नया नया लोकतंत्र ना बनता तो अगर नया लोकतंत्र ना बनता तो आज कल के ये जो है काले अंग्रेज या दुष्ट नेताओं की उत्पत्ति ना होती जो कि अपने फायदे और ओंट के चक्कर में क्या अलग अलग गंदी और ऊंची और नीची हरकतें करते रहते हैं तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा क्या नीचे चार ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए इनमें से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है किसकी एथेनॉल के लिए क्या जेट्रोफा क्या पुंगूमिया क्या मक्का या फिर सूरजमुखी चलो जल्दी से बताओ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आंसर करेंगे बिल्कुल बंटी बिल्कुल बंटी बिल्कुल मसाला भैया एक लाख का बंटी नहीं पड़े हो क्या यहां से यूरोपियंस वाले एक लाख का मसाला ले जाकर यूरोप में साठ लाख का बेचते थे एक करोड़ का मसाला ले जाकर साठ करोड़ में यूरोप में बेचते थे तो वहां के लोगों को लगा इतना ज्यादा पैसा कहां से आ गया इनके पास तो वहां के सभी लोग क्या है कि कंपनी बनाकर आने लगे नहीं बंटी पढ़े हो ना यूरोपियंस कंपनियों का भारत में आगमन पढ़े होगे भाई भाई तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताइए देखिए ये जो दोनों फसलें हैं इसको आपने पढ़ा होगा ये क्या है ये बायो डीजल बायो डीजल के लिए जानी जाती हैं और ये क्या है मक्का इसका सही जवाब हो जाएगा जो आगे चल के इतना मक्का के साथ साथ क्या है गन्ना भी आने लगा है गन्ना और सरकार तो ये कह रही भैया हम चावल से भी एथेनॉल बनाएंगे नहीं एथेनॉल आपने पढ़ा होगा दसवीं ग्यारहवीं में, दस में, में। एथेनॉल क्या लगा हुआ एक वर्ड आता है ऑल और जिसमें ऑल लगा होता उसको है उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग क्या पढ़ते थे एल्कोहॉल पढ़ते थे नहीं क्या पढ़ते थे इसमें लगा होगा क्या एल्कोहॉल लगा होगा तो अब इसमें भी देख लो ऑल आ गया एल्कोहल तो कई बार आपने देखा होगा चावल जब आप रोटी नहीं खाते चावल जब आप यहाँ तक खा लेते हैं उसके बाद चलना मुश्किल हो जाता है कुछ लोग तो चावल खाकर तुरंत गिर जाते हैं एक मेरा दोस्त था वो चावल खाकर गिर गया मुझे लगा इसे शौक लगा क्या हो गया देखा तो कुछ नहीं कर रहे मुझे नींद आ रही है वो सो गया उठा कितने चार घंटे बाद ना तो चावल में ऑल की मात्रा होती है एथेनॉल एल्कोहल होता है नशे वो वाला नशा नहीं है दूसरा वाला उसमें नींद आ जाती आलस क्योंकि सारी की सारी ऊर्जा चावल को पचाने में लग जाती है तो आलस तो आना स्वाभाविक सी बात है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मक्का हो जाएगा ना प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है किंतु हमारी लालच को नहीं या कथन किसका है मेनका गांधी का है इंदिरा गांधी का है महात्मा गांधी का है किस गांधी का है? कहा है तो गांधी परिवार का ही लेकिन किस गांधी का है या इनमें से कोई नहीं देखिए गांधी अलग थे और गांधी परिवार अलग है ना चलिए <laughs> अच्छा कोरोना हो गया चावल खा के ऐसा नहीं होता है क्लास कब तक होगी बस खत्म होने वाली है अंजलि सर ने तीन चार दिन क्लास नहीं है आज पूरा करके छोड़ेंगे लगता है बिल्कुल तुम लोग ये देखो कुछ लोग ऐसे होते ना शानदार जिनका कॉमन सेंस अलग ही है ना जिनका कॉमन सेंस अलग है। बिल्कुल फरा ने कहा है पचास क्वेश्चन वाह तुम तो ज्योतिषी हो गई हो फरा तो इसका जो आप क्या हो जाएगा भैया महात्मा गांधी महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने कहा है कि नेचर क्या है जो प्रकृति है वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है क्योंकि हमारी लालच को नहीं लेकिन आज इतने पाखंडी और लालची हो गए हैं जो अपने लालच के चक्कर में जंगल को काट दे रहे हैं अपने लालच के चक्कर में आ, क्या है कि जीवों को मार दे रहे हैं ना जीवों को खा जा रहे हैं अरे जीवों पशुओं को तो छोड़ो इंसानों को खा जा रहे हैं नहीं लालच थोड़े थोड़े लालच के चक्कर में ठीक है इसका सहज ये अच्छा इंदिरा गांधी ने क्या किया था भैया इनके ही कारण क्या पर्यावरण वन, वन मंत्रालय बना था क्या पर्यावरण पर्यावरण मंत्रालय इन्हीं के साथ इन्हीं के समय में हुआ क्या वन वन संरक्षण अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में आया ना इन्होंने क्या किया था इन्होंने वनों की कटाई पर वनों की वनों की कटाई पर वनों की कटाई पर पंद्रह वर्ष के लिए रोक लगा दी पंद्रह वर्ष के लिए रोक लगा दी कौन इंदिरा गांधी ने पर्यावरण मंत्रालय का गठन हुआ वन संरक्षण अधिनियम आया वन मंत्रालय का गठन हुआ कब 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था ठीक है आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं आपको बताना है भैया मानसूनी हो जाएगा सवाना हो जाएगा भूम्ध सागरी हो जाएगा प्रदेश देखो इसे क्या कहते हैं इसे तो फलों का उद्यान कहते हैं ना क्या फलों का उद्यान कहा जाता है फलों का उद्यान कहा जाता है विश्व का चिड़िया या विश्व रेखी प्रदेश कहा जाता है 45 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है सभी लोग खटखट तरीके से इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए हाँ इंदिरा गांधी के टाइम पर इमरजेंसी लगी थी लेकिन उस समय मैं नहीं था जीवित सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब कुछ समझ में आ जाता है और माइंड में कॉपी हो जाता है ठीक है कॉपी करना भाई पेस्ट कहीं मत कर देना दीपिका कॉपी करना चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अगर आप देखेंगे क्या सवाना घास का मैदान किसने सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छा रेखा ने बताया बी हो जाएगा कुछ नहीं बताया सी हो जाएगा तो इसका सही जवाब क्या विश्व का चिड़ियाघर क्या हो जाएगा भैया ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाना प्रदेश को सवाना प्रदेश को सवाना प्रदेश को क्या कहते हैं जो सवाना प्रदेश होता है ना इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे सवाना जो घास का मैदान है ना इसे शिकारी भूमि कहते हैं क्या शिकारी शिकारी भूमि सवाना घास का मैदान ना तो यहाँ पर छोटे छोटे जीव रहते हैं तो उनको क्या है कि शिकार करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सी सर हम भी इतने पुराने नहीं हैं अंकिता रस्त होगी अच्छा ठीक है चलिए सही बात है नए पुराने कुछ नहीं अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल से लाइक कर ही दिए होंगे ना देखिए कुछ चीजें मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है हाँ देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं अगर अगर आपको तो इसका सहज मैंने अगर आपको ईवीएस पढ़ना है ना ईवीएस ना और जैसा मैंने कहा ईवीएस पढ़ना है तो आप मेरे क्या है कि अन अकेडमी लर्नर पर जाकर आप मुझे राम कुमार नाम सर्च करेंगे तो वहां से आप मुझे ईवीएस स्पेशल क्लास पढ़ सकते हैं ठीक है आप में से ऐसा कोई बंदा कोई स्टूडेंट जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है किसका यूपी टेट का एक साल के लिए ट्रिपल नाइन या किसी भी आप अन अकेडमी की कोई भी क्या टीचिंग का पीसीएस का रीट का या आपके जानने वाले कोई भी ऐसे हैं जो सब्सक्रिप्शन uh, लेना चाहते हैं अनकेडमी तो आप क्या है कि इस कोड को फॉलो करेंगे वहां पर एक कोड भरने का आता है कि आप किस कोड को फिल कर रहे हैं अगर आप इस कोड को फॉलो करेंगे तो क्या है कि आपको पांच से क्या दस परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप मुझे मानते हैं कि मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूं या आपको मैं यहां पर आकर कुछ अच्छा दे पाता हूं तो आप क्या करेंगे इस कोड का प्रयोग करवा सकते हैं तो इसमें क्या होगा जो कैटेगरी है उसमें कहीं ना कहीं मुझे क्या प्रमोशन मिलेगा जो मेरी पोजीशन वो टॉप पर आ जाएगा ठीक है अगर आप मुझे टॉप पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर का आप प्रयोग करवा सकते हैं कर सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता और बड़ा ही प्यारा प्रश्न है भैया चलो काली मिट्टी लाल मिट्टी जलोढ़ मिट्टी या लैटे राइट मिट्टी किसमें आपको बताना है न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है टेक्निकल प्रश्न है ध्यान से देखना यूपीएससी यूपीएस उज्जवल आपका स्वागत है भैया ने बताया है बी होगा अच्छा जी आइए देखते हैं बी में कौन सा हो जाएगा प्रीति ने बताया है बी ने मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको क्या बताया था इसको चलो संधि विच्छेद करो हिंदी के तुम लोग छात्र हो क्या जल और ओढ़ यही ना होगा इसका संधि विच्छेद तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी मिट्टी जिसने जल को ओढ़ लिया हो उसको क्या कहते हैं जलोढ़ मिट्टी और आप जानते हैं प्यारों जहां जल होगा वहां पर क्या होगी नमी होगी तो सर्वाधिक नमी किसमें होगी जलोढ़ में और जहां पर जल होगा वहां पर उपज ज्यादा होगी और जब ज्यादा उपज होगी तो इसकी आवश्यकता कम होगी इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भी हो जाएगा ठीक है अच्छा ये जल होता है तो जल से बनी हुई मिट्टी है नदियों को किनारे रहती है कहां पर तो नदियों नदियों के किनारे अक्सर ये पाई जाती है इसलिए इसे क्या कहते हैं इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं कौन सी मिट्टी कहते हैं कछारी मिट्टी भी कहते हैं इसी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या दोमट मिट्टी भी कहते हैं दोमट मिट्टी भी कहते हैं ये भारत की क्या है सबसे उपजाऊ मिट्टी है और आप जानते हैं भारत में तो नदियों का जाल है हर जगह जो है नदी है और जहां नदी होगी वहां कौन सी मिट्टी पाई जाएगी कछ छारी मिट्टी या कौन सी पाई जाएगी जलोढ़ मिट्टी इसलिए भारत की क्या है कि यहां। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी इसमें किसकी कमी होती है तो इसमें जो कमी होती है बेटा तो कहीं ना कहीं क्या ह्यूमस की भी कमी होती है और याद रखना किसकी तो नाइट्रोजन की भी कमी होती है और फास्फोरस की भी कमी होती है किसमें जलोढ़ मिट्टी में राइट चलिए बीबी को उठाओ किसकी बीबी को देखो गलत बात नहीं बीबी को नहीं किसी को बीबी को उठाओगे ना तो उसका फिर मियाँ साहब जीवित नहीं रहने देंगे पुरानी जलोड़ को बांगर कहते हैं ठीक है तो दोस्तों आज के लिए यही हम लोग सेशन का एंड करते हैं इसके बाद मेरी अभी पेड क्लास है ग्यारह बीस से अन अकेडमी के लर्न पर ठीक है तो वहां पर हम लोग पेड क्लास पढ़ेंगे प्लस क्लास जिसे कहा जाता है उसके बाद फिर एक स्पेशल फ्री वाली क्लास होगी आप वहां आ सकते हैं तो जरूर आज बताइएगा कि सेशन शानदार था आई होप और क्या कहते हैं कि क्वेश्चन भी अच्छा था मैंने कोशिश किए थी अच्छे कॉन्टेंट लाने के लिए तो ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा रहा और आप लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को ये सेशन पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और फिर से हम लोग मिलेंगे आज शाम को ज्योग्राफी स्पेशल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं तो अपना फीडबैक और कमेंट देना मत भूला करिए लाइक करिए दोस्तों को भेजिए और मैंने बताया आपको ये जो कोड है इसका इस्तेमाल आप करेंगे ये कोड आप का इस्तेमाल करेंगे किसी भी सब्सक्रिप्शन में किसी तरह के तो मेरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए और मेरे साथ इतने देर तक इंटरेक्शन मेरी क्लास सेशन को इंजॉय करने के लिए इतनी देर तक आप सभी का आभार सदाबहार थैंक यू सो मच आपका दिन अवसरों से भरा हो जीवन में खूब तरक्की करिए यही ब्लेसिंग के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ बहुत बहुत आशीर्वाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू